नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, डट के खड़ा है कोई मजा, नया बनेगा। आप सबको मैं आज बताऊं, आज मैं इलेक्टेड नहीं हूं, आज मैं सिलेक्टेड हूं। मेरा काम ने मेरा नाम सिलेक्ट किया है प्रेम जाने के लिए। इससे ज्यादा 15 साल हो गए हैं मुझे इस पार्टी में खान के साथ। सबका साहब इधर है, सिलेक्टेड हूं और मेरे काम ने मुझे साथ में जेल जाने के लिए। आज के जो नारा लगा रहे होते हैं ना कमान को, आज के हम लोग सबका साहब इधर है। सारे छोटो यार, ये थोड़ा साइड हो जाना, पीछे कैमरा भी है ना यार, जेल भरो पकड़ा दो, मुझे पकड़ा दो चलो जी सर। देखिये गुज़िश्ता 10 माह से जारी इस मुल्क के अंदर जो फसलाइत है, जो लाकानूनियत है, और जिस तरह से इस 13 जमाती जत्थे ने दार पे कब्जा किया हुआ है, तो हम इन डाकुओं के जत्थे को पैगाम देने आए हैं कि हमने माफ के बाद तोड़ दिए हैं, और हम आगे पुरअमन तरीके से एहतजाज के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अपने आप को रजाकारा तौर पर गिरफ्तारी के लिए पेश कर रहे हैं, के बजाय इसके कि ये लोगों को हरासा करें जिस तरह हमारे साथियों के ऊपर झूठे पर्चे करा के पैगाम देना चाहता है इन डाकुओं के जत्थे को, ना ये गाड़ियों से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं। इमरान खान की आवाज के ऊपर खड़ी है। कितने अफराद गिरफ्तारी दे रहे हैं आप? आज जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर जिसका पहले ऐलान किया जा चुका है, और इकबाल सबक सुबाई वजीर है, हमारे पुराने जो सीनियर अहदेदार हैं उसको है, और 200 के करीब कारकुन नजर आ रहे हैं। अगर आपको गिरफ्तार नहीं करते, कल तक प्लान था, लेकिन आज सुबह आपने देखा पार्टी ऑफिस में यहाँ पे भी ये सब लोग तो यहाँ जमा हुए हैं, ये अपने आप को रजाकारा तौर पर गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। चीमा साहब जी बताए चौधरी परवेज करेंगे। देखिए हमने अब एक हम जो है कानून का एहतराम करने वाले लोग हैं, आपके सामने हम 27 साल में जदोजहद की, हमने हमेशा पूरा मन जो है एहतजाज किया है, चाहे वो धरने हो चाहे जलसे हो, और हम जो है किसी तौर पे भी जो है आज तक जो भी जदोजहद हमारी रही, हमने कभी भी खिलाफ कानून ऐसा काम नहीं किया। आज हम जो आए हैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें कोई खौफ नहीं है जेल में जाने का, हम अपने आप को रजाकाराना तौर पे पेश कर रहे हैं, ये अब हुकूमत के ऊपर है वो किस तरह से और कब गिरफ्तार करते हैं। चीमा साहब ये बताएं कि चौधरी परवेज लाई पीटीआई में शमूलियत कर चुके हैं, कि आज वो भी गिरफ्तारी के लिए आएंगे, अभी तक उनके आने की कोई इतला हमारे पास मौजूद नहीं है। जो लोग यहाँ पे आए हैं वो क्यादत का फैसला था, उसके मुताबिक ही लोगों ने अपने आप को रजा करा था। बरहला वार ये आज पहला दिन है, और ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा, हर रोज एक नए शहर से लोग अपने आप को। चीमा साहब क्या चौधरी परवेज लाई की मुशावरत में कोई इजलास में कोई मौजूदगी का इजहार नहीं है? चौधरी परवेज लाई साहब मशावरत का हिस्सा नहीं है? परवेज लाई साहब भी जाहिर है हमारा हमारे एलाइज है, 3.5 साल हमारे साथ रहे, सियासी जंग में वो हमारे साथ खड़े रहे, हमारे साथ ही रहे। शुक्रिया।